वाला जमाना, इतना कम सेफ का दीवाना। तो हमारे घर में आप देख रहे होंगे कुछ नए। कहाँ, बोलो बोलो, तुम कैमरा में हो लाइव। और इसको बस एक घंटा छोड़ देंगे, उसके बाद इसको हम करेंगे, उसके बाद उसके बाद खांस लेंगे तो उसके बाद करेंगे। हाँ। खांसी आ रहा, तो इसमें क्या है, ये रहा हमारा किचन केक। पागल हो जाएंगे हमें ऐसा लगता है, तुम्हें कैसा लगता है। ब्लॉग का शुरुआत जो है ना आज इस मधुर गीत से हुआ है। कौन गीत गाया? हमारी धर्मपत्नी को देख रहे होंगे आप, ये चमचमाता हुआ शीशा जो है ना इसको और चमचमा रही है हमारी धर्मपत्नी। डस्ट बैठ चुका है। हमारे बीवी को भी हंसते हुए देख रहे होंगे, अभी थोड़ी देर पहले ना गुस्सा रही थी हम पे कि जो है ना आज हमारे यहाँ हमारे फ्रेंड आने वाले हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एज यूजुअल तो हम लोग लेट उठे हैं, 12 बज गया है, क्लीनिंग बचा हुआ है और पूरा प्रिपरेशन, अभी खाना पीना सब बचा हुआ है। बताइए, अब हमारा छुट्टी खत्म हो रहा है तो इस लास्ट वीकेंड में हमारे फ्रेंड के साथ इस बार खूब मस्ती होने वाला है। आज हमारी बीवी एक नया रेसिपी भी जो है ना बनाएगी, देखिएगा, बने रहिएगा। तैरता हुआ कुछ जो बनाने वाली है बोली है, देखेंगे कैसा बनता है। पूरा अपडेट देते रहेंगे आज का। गुड आफ्टरनून आप लोग को। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर ब्लॉग, ब्लॉगर स्मिता इन जर्मनी में। सावधान, होशियार, राजा के महाराजा पधार रहे हैं। देख रहे जानू किचन में जो है क्या कर दिए है। हमारे यहाँ कोई आता है तो हमारा पूरा किचन देख रहे हैं, चारों तरफ हमारी बीवी लगी रहती है, इस साइड इस साइड, क्या बोलता है सब, हमारा किचन साफ रहता है। ये रहा हमारा किचन केक, ये है सच्चाई। नहीं नहीं दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारा चना बॉईल हुआ है। अच्छा, और ये ग्रेवी के लिए ये प्याज वाज भुना के रखा है, और ये शाम क्या बाबा भूल लेते, ये शाम का स्नैक्स है, इसमें बन रहा है। ये यहाँ पे तेल डाले हैं, इसमें जाएगा बेसन, क्योंकि इसको करना है मैरिनेट करने के लिए, पनीर के लिए इसको मसाला तैयार कर रहे हैं। इधर देख सकते हैं ये हमारा ऑनियन का छील के रख चुके हैं, तो इतना काम कर रहे हैं। और इधर ये हमारा, ये देख रहे हैं, ये बन रहा है क्या, उड़द दाल पीस रहे हैं, सरप्राइज। घर में बहुत चीजें बन रहा है, इतना काम चल रहा है। और यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा मैरिनेट करने के लिए, यहाँ पे बेसन, ये देख रहे हैं, बेसन और ग्रीन चिली का ऑयल में डाल के बेसन को अच्छे से भून के एकदम सौंधा सौंधा खुशबू आने लगे, फिर ग्रीन चिली, फिर रेड चिली डाल के ये ग्रेवी तैयार किए हैं पनीर को मैरिनेट करने के लिए, क्योंकि बना रहे हैं पनीर टिक्का मसाला। तो ये देखिए ये गया, और इसमें जाएगा दही, ये रहा हमारा दही। वाओ क्या मस्त लग रहा है कलर जानू, हाँ मस्त लग रहा है। वाओ हाँ, रेड रेड के ऊपर जो है ना वाइट, अब इसको क्या करना है, यही पनीर के ऊपर रहता है जो कलरफुल लगता है पनीर क्या। यस, चलिए इसमें मसाला क्या क्या जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा गरम मसाला, देखिए स्मिता का ना मसाला का भंडार यहाँ देख सकते हैं, ये टिक्का मसाला, ओके, और ये है किचन किंग 2 टेबल स्पून भर भर के, ये है जीरा पाउडर, होममेड जीरा पाउडर, होममेड गरम मसाला, ये है आमचूर पाउडर, ऑप्शनल है, मैं यूज करती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है खट्टा मीठा टेस्ट, ऑप्शनल है। और इसमें जाएगा नमक, नमक नमक, ये होममेड पनीर है, पनीर की रेसिपी भी शेयर करेंगे लेकिन अभी तो मैं नहीं, ये होममेड पनीर है, ये हमारा शिमला मिर्च ग्रीन रेड और येलो कलर का कट चुका है, थोड़ा सा
इसमें कि ऐसे करके उनको खाना बनाना पड़ता है इतना जल्दी जल्दी, क्या बताए। तो इसमें तो मैडम का जो है ना ये सारा सीक्रेट बता रही है, ठीक अच्छे स्मेल आ रहा है यार जानू, लग रहा है कि डाले और खा लेना। बस कोटिंग अच्छे से होना चाहिए, पूरा पनीर उनीर जो भी है ना सबके ऊपर मिक्स हो जाए, मस्त हो जाए। और इसको बस एक घंटा छोड़ देंगे, उसके बाद इसको एक तो पता है उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ग्रिल करेंगे इतना देर पका दिए करेंगे खांसी आ रहा है, ये देखो मुंह में पानी आ रहा है। और उसके बाद अभी एक मिनट, अच्छा अभी और बचा हुआ है ना। हाँ ये ऊपर से भी जाएगा ना, ये आहा वो तो बेसन में गया, ये तो चिली कर ले पाए, इसको तो चिली चाहिए ही है। ग्रीन चिली रेड चिली सब डाल दो मैडम। वाह क्या झमझमाता वो लग रहा है जानू, लग रहा है ना। मन करा झमझमा के एकदम ना झपट ले एकदम झमझमा के झपट ले ये सच में। चलिए इसको अब करते हैं, एक घंटे तक रेस्ट करने देते हैं इसको। हाँ। और इस बार जो है ना कोयले की खुशबू अभी नहीं लगाएंगे, वो देखिए कब लगाते हैं। गर्म गर्म लाल लाल जो है ना कुछ बना है, ओवन से निकल रहा है झम, तो लग रहा है ऐसे ही खा जाए जानू। मस्त लग रहा है, कड़कड़ा एकदम। क्या बोलती है, ऐसे ही खा जाए, गेस्ट का वेट नहीं करते हैं और ग्रेवी ग्रेवी रोटी के साथ खा लेते हैं इसको, बस और गुजरो। इसको ग्रेवी में डालिएगा, बर्बाद कीजिएगा आप। ये क्या बोल रही है, मैं ऐसे नहीं बोली यार, हमको लगा यही खाना है हमें। नहीं ये नहीं खाना, ये ग्रेवी देख रहे हैं, वाओ यार यही मस्त लग रहा है भाई। इसको बस एक सीकी में डालो, इसीलिए तो हम सीकी में नहीं डाले आज क्योंकि ये लोग ना खा लेंगे आज, तो हम इसी में मस्त भून भून के पकाए। बहुत अच्छा लग रहा है यार, मुंह में पानी आ गया, लेकिन ये चला गया, पानी को रहने दीजिए मुंह में, ये चला गया अंदर। हमारी धर्म पत्नी ने हमको बुलाया है कि वो धुआंधार पारी अब खेलने वाली है। हम भी बीवी बेचारी परेशान है जानो, सुनना सुनना सुनना, आई लव यू, ये सब नहीं जाता है कैमरा। अब देखो मेरे बीवी के चेहरे पे थोड़ा मुस्कान देख रहे होंगे आप, अरे तेरी फ्लोट करने वाला है अब है ना कुछ। ओ वहां पे कोयला देखिए गर्म हुआ है एकदम, लाल लाल कोयला। अरे बाप रे, अब उसको घी डालेगी क्या। वाओ ओ माय गॉड, देख लीजिए भाई गजब धुआं हो रहा है, इस धुएं से भरा हुआ जो है हम लोगों को टेस्ट करना है जानू। यस, ये कहां कहां से आप सीख रहे हैं ये सब परफॉर्मेंस। मस्त दिख रहा है, कूल। अरे बाबा लग रहा है पूरा कोई ना रेस्टोरेंट का ना बड़ा रेस्टोरेंट का सेफ हो गए हैं आप। ये सारा जमाना इतना सेफ का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों। चलो चलो हो गया हो गया बाबो। तो हमारे घर का जो है ना रंगत बदल चुका है, सुबह में कुछ और था, शाम में कुछ और हो गया है। किचन देख रहे हैं क्या हालत था दोपहर में, हमारी धर्म पत्नी पूरा जो है ना इसको फिर से एकदम अरेंज कर दिया है, घुमा देते हैं एक बार, गजब लग रहा है। अभी हमको गाली खाने को, अब ठीक है। तो हमारे घर में अब देख रहे होंगे कुछ नए परिचित चेहरे, नए नहीं पुराने पुराने परिचित चेहरे, पुराने परिचित चेहरे। तो हम लोग देखिए अब जो है यहाँ पे खाने वाले हैं पानी पूरी। नहीं मैं बताती हूँ। अच्छा हमारे घर में नहीं बताएगी, क्या बताना चाह रहे हैं। ये नया रेसिपी है पानी पूरी है, लेकिन डिफरेंट टाइप से है। और ये देखिए ये ऑनियन हमारा कट चुका है, इसमें मिक्स करें। ये बेंगलोर का फेमस स्ट्रीट फूड है फ्लोटिंग पानी पूरी। समझेलाल तेरे लिए स्पेशल बनाया है, ट्राई आप समझा। हम लोग जो है ना क्या होता था हमेशा, हम मेरे ऊपर ट्राई होता था, इस बार हम बोले कि लाल आ रहा है तो उस पर ट्राई करते हम लोग। मिक्स हो गया मसाला हमारा सारा, चाट मसाला आमचूर पाउडर जीरा पाउडर काला नमक सब मिक्स हो गया। जीरा मस्त दिख रहा है यार, अब चना चूर गरम वाला जो रहता था ना मसाला वही लग रहा है। हाँ,
ये देख रहे हैं, ये स्पेशल दही बड़ा जो है सिर्फ मेरे लिए बना है, तनुजा जी के लिए बना है केवल। हाँ बोलो बोलो, तुम कैमरा में हो लाइव। अच्छा दुनिया देख रहा है तुमको, बताओ। स्मिता जी ने बहुत चीटिंग की है, बहुत ज्यादा, पर फिर भी हम जीते। इसलिए हम स्पीचलेस थे, कुछ बोल नहीं पा रहे। और ये देखिए दिन भर का मेहनत दिखाते हैं आदमी। चलिए एक तो देख लिए उनका पसंद का बना है, राइस बना है, ये हमारा पनीर दो प्याजा है, ये हमारा टिक्का मसाला है, ये चना की सब्जी। अभी पनीर दो प्याजा तो नहीं लग रहा, मतलब भिंडी दो प्याजा, सॉरी भिंडी दो प्याजा, पनीर टिक्का मसाला, चना की सब्जी और ये हमारे नान।